मंगलवार की देर रात शामली जनपद के चौसाना कस्बे में अज्ञात चोरों द्वारा एक टायर की दुकान से 50,000 रुपए कीमत के 10 टायर चोरी कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी गई। दुकान मालिक को इस पूरी घटना की जानकारी उस समय हुई जब बुधवार की सुबह वह अपनी दुकान पर पहुंचा। हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें टाटा मैजिक सवार 3 चोर टायरों को लाद कर ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। पीड़ित दुकानदार द्वारा इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई है तथा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शामली जनपद चौसाना कस्बे में बाईपास पर मानवी टायर ट्यूब के नाम से मजरा प्रधान नगर निवासी जितेंद्र की दुकान है। पीड़ित दुकानदार के अनुसार मंगलवार की रात एक टाटा मैजिक में सवार 3 अज्ञात चोर दुकान के बाहर लोहे की जंजीर से बंधे 10 टायरों को गाड़ी में लादकर मौके से फरार हो गए। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तथा इस चोरी की बाबत पीड़ित दुकानदार जितेंद्र द्वारा थाने में तहरीर दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार जितेंद्र ने बताया। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। तो क्या हो गया भाई जी? मैं शाम दुकान बढ़ा के गया था और सुबह आकर देखा यहाँ टायर लग रहे हैं बाहर मेरे जी, बढ़िया टायर थे और सुबह आकर देखा संकल्प संकल्प तोड़ के टायर चोरी कर लिए। फिर उसके बाद में हम चौकी में गए, चौकी वालों ने कहा भाई सीसीटीवी फुटेज देखो और तहरीर दे दो। उसके बाद हम सीसीटीवी फुटेज देखे, उसमें गाड़ी में लादते हुए भी आ रहे, गाड़ी में डाल के ले गए, 3 जने थे, पिकअप गाड़ी थी छोटी छोटा मैजिक, और उसके बाद में तहरीर दे गए। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। कितना नुकसान आपको? मेरा नुकसान 30,000 रुपये का करीब है। किस टाइम घटना है? यह वो वीडियो कैमरे में जो आ रही थी उसके सीसीटीवी में लगभग 1:30 बजे की घटना है, 1:17 बजे की वीडियो भी आ रही थी उसकी, उनके तीनों के फोटो भी आ रहे हैं उसमें, गाड़ी का फोटो भी आ रहा।